हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक गुड वर्ल्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तेजी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मेरे चैनल की सबसे पहले देखने मिले। देवनार बकरा मंडी शनिचर की अपडेट लेके आप सभी भाइयों के लिए। कट्टू का माल भी काफ़ी देखने मिलने वाला है और कुछ क्वालिटी माल भी दिखाने की कोशिश करूँगा, तो कोशिश करेंगे वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को क्वालिटी में और क्वांटिटी में फ़र्क भी समझ जाए और क्या माल आ रहा है देवनार बकरा मंडी में इनका भी अंदाजा हो जाए। आज हम बैक साइड से शूट कर रहे हैं, ज़्यादा करके हम देख रहे हैं भाई भेड़ वगैरह। ऑलरेडी कोई भी सीज़न हो माल हमें भेड़ का मिल जाता है। ये ज़्यादा करके कटिंग हो गया भाई, होटलों में रेस्टोरेंट्स में चलता है ये सब। अभी इतने बच्चे इसमें माशाल्लाह, एक ना एक बच्चा आप लोगों को पालने लायक मिल ही जाता है। व्यापारी के ऊपर डिपेंड करता है और व्यापारी के जंगल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे माल लेके आता है। बैक साइड में हम जैसे कि देखते हैं कि भाई पीछे से जब हम चलते तो ज़्यादा करके भेड़ वगैरह अहमदाबाद का माल ये सब ही नज़र आता है हमें। कुछ कुछ बड़े बकरे भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, जो हर बाड़ों में भी नज़र आएंगे। दाती वगैरह ये देखिए, दादी बकरे नज़र आ रहे हैं, 30-30, 32-32 हज़ार रुपये मांग चल रही इनकी। जो हम दो ब्रीड में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो है ये एक मजीटो है और सेम कलर में भाई गुजरी भी आता है, बस इनका साइज़ और शेप थोड़ा अलग होता है, गुजरी थोड़ा लेंदी होता है। बाकी जैसे कि हम देखेंगे कलर वगैरह, अभी जस्ट बाजू में हम मजीटो देख और यहाँ पर देख लीजिए भाई, इसमें गुजरी भी है अजमेरा भी है, ऑलमोस्ट ऑल सेम कलर के जानवर है। ओवरऑल मैं बाहर से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक एक जानवर बताना बहुत मुश्किल पड़ता है, अभी सुबह सुबह फीडिंग का टाइम रहता है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ भाई, कट्टू के माल में भी एक एक आध बड़ा जानवर आता है, लिमिटेड पैसे में जो मिल जाए आपको 15-16 हज़ार रुपये तक। जैसे कि मैंने आप सभी भाइयों को बताया, हर बाड़े में आप लोगों को एकाध दाती बकरा ऐसा बड़ा बकरा देखने मिलेगा। कुर्बानी का वक्त नज़दीक होने की वजह से सिर्फ 17-18 दिन बचे गेट खुलने हैं बकरा मंडी के, और बकरा ईद के लिए ऑलमोस्ट 28 दिन ऐसा समथिंग दिन बचे हुए हैं, तो उसके वजह से काफ़ी लोग अभी से ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। रेट्स वगैरह भाई बहुत हाई चल रहे हैं, लिमिटेड छोटे जो बकरे हैं उनका भी रेट अलग ही हाई है। एक बरबरा भी देखने मिला है, यमनी टाइप का है मगर है बरबरा। बाकी दिखाता हूँ मैं बाजू के बाड़ों में जो अजमेर का सेक्शन होता है वहाँ पर भी बकरियाँ ज़्यादा आई है। दूसरी ब्रीड देखा जाए तो सूजत वगैरह कंपेरिजन अजमेर के ज़्यादा है, सूजत में क्वालिटी कम देखने मिल रही, सोजत में सॉरी क्वालिटी ज़्यादा है, अजमेर में क्वालिटी आज कम है। बाकी ख़रीदार भी माशाल्लाह से भरपूर आ रहे हैं ख़रीदने के लिए। बकरे हैं काफ़ी है माशाल्लाह भाई, और लेने लायक भी है। जाता हूँ मैं, हर बाड़े में कुछ ना कुछ है, एकाध बड़ा बकरा है जो आप लोग परचेज़ कर सकते हो, पालने लायक के लिए भी जानवर आप लोगों को मिल जाएंगे। और बहुत मतलब कॉस्ट जो है काफ़ी ऊपर जाने की वजह से, बस छोटे से छोटा बच्चा 8,000, 12,000, 14,000, 15,000 से में बिक रहा है मंडी में, तो लोग ऑनलाइन या प्रीफर कर रहे हैं ज़्यादा मंडी से। माशाल्लाह भाई, जैसे कि मैं बताता हूँ मालों में कुछ कुछ ऐसे बकरे भी आते हैं, कुछ कुछ माशाल्लाह ये बकरी है, एक मार्बल सिंह में ये बकरी है, बहुत शानदार कलर है इसका। ठीक है, छोटे बड़े बकरे देखने मिलते हैं, वाइट आइस में ये बकरियाँ कुछ है, वैरायटी बहुत मिलेगी आप सभी भाइयों को। मगर भाई क्वालिटी जो होती है ना वो स्किन कलर से नहीं होती है, बॉडी शेप से होती है, उनके स्ट्रक्चर से होती है। अगर किसी को ब्लड लाइन मालूम है, जैसे कि उनके बाप दादा अच्छी ब्लड लाइन से, तो आप वो बकरे भी ले सकते हो। देसी हमारे मालवा जो है MP साइड के प्योर देसी बच्चे, काफ़ी इन्हें मालवी भी कहते हैं, उज्जैनी बकरा भी कहते हैं,
एमपी के बकरे भी कहते। लोग सुबह सुबह दूध वगैरह भी भरने आते हैं। देखो इसमें भी दो तीन ऐसे कुछ बड़े बकरे नजर आ रहे हैं आप लोगों को। चाचा दूध भी भर रहे हैं, मतलब एक अंदाज से अंदाज एक आम आदमी भी कुर्बानी कर रहा है तो भाई 20-25 हज़ार के ऊपर बजट लेके चलो। खस्सी भी मिल जाएंगे आप लोगों को, बड़े बकरे भी मिल जाएंगे। बजट थोड़ा अच्छा बनाओगे तो इंशाल्लाह बकरा भी अच्छा लेके जाओगे, वरना रेट तो ऐसा है मतलब बहुत हाई चल रहा है। 550 रुपये रेट तो बाहर बिक रहा है। बाकी सब समझदार लोग हैं। देवनार में थोड़ा आप नेगोशिएट भी कर सकते हो किलो के रेट में, क्या होगा किलो के रेट में आप लोग 10-20 रुपये ही कम करवा पाओगे। अजमेर क्वांटिटी में तो आया है मगर क्वालिटी में आज नहीं आया। वरना अजमेर के माल में जो गुजरी और अजमेरा आते हैं, शिरोई जिसे हम कहते भी हैं, बहुत अलग आते हैं क्वालिटी में। आज कोटा भी आया, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे उनको भी शूट करने का अगर वहां तक पहुंच पाए तो। ये आज का फ्रेश पीस अजमेर है मगर इनमें ज्यादा करके मुझे छोटे छोटे कट्टू के माल नजर आ रहे हैं। बड़े से बड़ा बकरा जो कि मैंने देखते हुए देखा वो आज। पानी वगैरह इनको पिला के फीडिंग के लिए डालेंगे। बाकी बैक साइड के बाड़ा जो मैं नहीं शूट करता हूँ आज बताता हूँ भाई, कि बैक साइड में भी जब माल डालना शुरू करते हैं गाड़ी अच्छी आती है तो पीछे के तरफ भी आप लोगों को बकरे देखने मिलेंगे, जो बाद में जाके इनको कट्टू के उसमें ही बांधा जाएगा मगर जो बड़े बकरे उनको डिफ्रेंशिएट करके अलग बांध ही देते हैं ये लोग। जैसे कि मैंने बताया भाई पीछे भी बकरे मिलेंगे बड़े छोटे, कुर्बानी लायक तो बकरे हर वाड़े में भाई, एकाध बकरे तो हर जगह है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ माशाल्लाह भाई सोजत ज़्यादा क्वांटिटी में आना स्टार्ट हो गए, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी सोजत में देखने मिल रही है। जो क्वालिटी अजमेरा में आ रही थी माशाल्लाह अब सोजत में देखने मिल रही है माशाल्लाह भाई। अजमेर भी माल है, कुछ कुछ ऐसी बांझ बकरियाँ भी देखने मिलती आप लोगों को और बहुत हैवी वेट भाई, एक बकरे को फेल कर दे बकरे का वेट खा जाए ऐसी ऐसी बकरियाँ देखने मिलेगी माशाल्लाह। क्वालिटी क्वालिटी की बात है, जिसको जैसा समझते हैं वैसा वो मान लेता है। अजमेर वाले लोग बहुत ही अच्छा टीम वर्क करते हैं, मैंने देखा हूँ कि इनका जो माल होता है बेसिकली ये अभी जो बड़े बकरे हैं वो उसको रोक रहे हैं और छोटे बकरे को ही कट्टू के माल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इनका जो कुर्बानी का माल है उसमें तैयारी में लोग हैं। बाकी एक आध बकरा कभी ना कभी तो देखने मिल ही जाता है, इसमें अच्छे कलर्स में भी मिलेंगे। फिर भी दो दो दाती कुछ कुछ बकरे आए हुए अजमेर में भी। बैक साइड में भी अगर कुछ नज़र आ रहा है तो वो सोजत का माल है, जैसे कि मैंने कहा था भाई अभी थोड़ा टाइम आएगा सोजत का माल काफ़ी ओवरकम कर जाएगा इनसे कंपेयर टू। तो यहाँ तीन बड़े कंटिन्यू सोजत के, जबकि इतना माल आता ही नहीं ऑफ सीज़न बकरीद करीब होने की वजह से। सोजत वाले खूब माल भेज रहे हैं और अजमेर वालों ने माल रोक रखा है। देखो एक दो बकरा मिलेगा ही आप लोगों को दाती बकरा। पालने लायक भी है इसमें माशाल्लाह भाई। बाजू में कट्टू के माल में सोजत के बाजू में ही कोटा वगैरह है बन गए। ये देखिए भाई कोठों की झलक, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो को यहीं एंड करते। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है
कोशिश करो चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन दबाने की, ताकि आपको लोग आने वाले हर एक अपडेट सबसे पहले स्क्रीन पे देखने मिले।